और रहा इसका बात, ये बाकी एडिटिंग में काम आता है, म्यूजिक व्यूजिक वगैरह कुछ नहीं है इसमें। कोविड के चलते कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। सेकंड ईयर में था, ये वाला हॉस्टल में रहता ना, ये अब से देख रहे हैं कैंटीन बंद ही है। अब खुलेगा कोई इसका? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है 10 अक्टूबर 2021 और आज जा रहे हैं, अभी कॉलेज थोड़ा जा रहे हैं, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और कॉलेज का कुछ काम से जा रहे हैं। ये है कॉलेज का पिछवाड़ा है, ये एक हॉस्टल है और उधर दो हॉस्टल है। तो अभी जा रहे हैं, कुछ ऑफिशियली का काम है, हम लोग का ऑफिस में काम है, उसको ख़त्म करेंगे फिर आगे देखते रहिए। ये है कॉलेज का मेन गेट, तो ये है मेरा कॉलेज का एंट्रेंस, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कलाहंडी भवन। तो मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ, ये रहा सब क्लासरूम सब है, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल प्लेसमेंट ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा ऑफिशियली का काम है, उसको ख़त्म करेंगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। A few minutes later, बैडमिंटन वॉलीबॉल ये सब खेला जाता है, पर कोविड के चलते कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है अभी, मतलब धीरे धीरे आगे सब होगा मेंटेनेंस, अब अच्छा होगा। लगभग 1-1.5 साल से कॉलेज नहीं खुल रहा था, अभी खुला है, जस्ट 1.5 महीना हुआ है, आगे नहीं तो कुछ मेंटेन नहीं हुआ है, आगे आगे धीरे धीरे मेंटेन होगा। यहाँ पे जो भवानी पटना का गवर्नमेंट कॉलेज है, ये 3-4 महीने के लिए कोविड हॉस्पिटल हुआ था, ठीक है। ये सब स्ट्रेचर वगैरह सब बहुत सारे पड़े हैं, मतलब भवानी पटना में ये सबसे बड़ा जगह पे बहुत बड़ा कॉलेज है, इसलिए कोविड हॉस्पिटल बना था ये, लेकिन अभी ये कोविड हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट कॉलेज है। और क्लासेस वगैरह अभी शुरू नहीं हुए हैं, शुरू होंगे सेमेस्टर के बाद, अभी ऐसे ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा। और हम लोग उनका बाकी सब जो भी ऑफिस का काम रहता है, जो भी रहता है, हम लोग अभी ख़त्म करके वापस चल जाएंगे। तो ये है उधर है कॉलेज का कैंटीन, हम लोगों मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए चिल करते हैं, जहाँ पे चिल आउट वही है। और यहाँ पे हैं प्यारे मुख्यमंत्री जी जो हंस के अपना फोटो दिखा रहे हैं। और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है अभी। ये जो छत्ते के नीचे बैठे हैं इधर, मतलब दोपहर को बहुत गर्मी होता है, अभी थोड़ा सा राहत है, गर्मी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। और ये जो पीछे कैंटीन है, ये फर्स्ट ईयर से देख रहे हैं कि बंद ही है, कब खुलेगा पता नहीं है। तो हम लोग क्लास करते हुए 1 महीना हुआ बस, तब से ये देख रहे हैं ये कैंटीन बंद ही है, कब खुलेगा कोई इसका कोई खबर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कब खुलेगा ये, कब मिलेगा इधर कोल्ड ड्रिंक। हाँ, बाहर जो इधर से बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक्स पी के आना पड़ता है, ऐसे लग रहा है जैसे बीराना पड़ा हुआ है जगह पूरा, अंदर भूत रहता होगा, देखते हैं अंदर। यहाँ तो लॉक, मतलब बंद ही है। 2000 years later. हेलो गाइस, गुड इवनिंग, अभी शाम के 5, अरे अंधेरा लग रहा होगा, अभी उजाला हो गया। हाँ, तो गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम बज रहे हैं 5 बज रहे होंगे शायद, और अभी सोचा कि एक थोड़ा सा शॉर्ट्स ले लूँ, क्योंकि अभी मौसम भवानी पटना में बहुत अच्छा है, ठीक है। और इधर शर्ट पहन ले बेटा, ऊपर जाएंगे। ये मेरा रूममेट जतिन है इसका नाम, ठीक है। हाय बोल। हेलो गाइस। शर्ट पहन ले, लड़का तो नंगा सो आया था शर्ट पहने, चलते हैं ऊपर, ठीक है। इसका बाद ये बाकी एडिटिंग में काम आता है, म्यूजिक व्यूजिक वगैरह कुछ नहीं है इसमें,
हाँ, और सब एंटरटेनमेंट इससे होता है मेरा, ठीक है। तो चलो लेट्स गो गाइस। रूम को लॉक किया जा रहा है अभी। हॉस्टल पूरा खाली खाली है क्योंकि दुर्गा पूजा छुट्टी है, तो सब बच्चे अपने घर चले रहे हैं और हम भी कुछ दिन के बाद चले जाएंगे अपना घर, फिर मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर देंगे घर जाके, है कि नहीं? मोटो ब्लॉगिंग तो बहुत जरूरी है ना, यूट्यूबर का काम तो मोटो ब्लॉगिंग है, ठीक है, स्टूडेंट का काम पढ़ाई है, सब कुछ साथ में एक साथ किया जा रहा है। सो आप पहुंच रहे हैं टेरेस, छत के ऊपर पहुंच गए हैं। ये कॉलेज में जो भी हॉस्टल है पूरा फिफ्थ फ्लोर तक है, बना हुआ है फिफ्थ फ्लोर तक है, और मैं ये हॉस्टल में अभी रह रहा हूँ। पहले जब मेरा सेकेंड ईयर था मैं वो वाला हॉस्टल में रहता था, दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। पहले जब मैं सेकेंड ईयर में था ये वाला हॉस्टल में रहता था, ये वाला हॉस्टल में, अभी ये वाला हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है। दो हॉस्टल और वो है कॉलेज, ये है गर्ल्स हॉस्टल। जो हॉस्टल है, ये जो हॉस्टल है सब सब फिफ्थ फ्लोर का है, ठीक है, बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत करीब 500-400 के अंडर 400 बच्चे रहते हैं एक साथ हम लोग। उधर सनसेट हो रहा है अभी, चारों तरफ पहाड़ घिरा हुआ है कॉलेज को, ठीक है, और यहाँ पे है विकास यूनिवर्सिटी, जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ विकास यूनिवर्सिटी, जब मैं आया था रात को। अगर आप पुराना ब्लॉग देखे नहीं होंगे तो देख लीजिए, वहाँ पे मैं आया था ऊपर आपको ये चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। अभी जो सनसेट हो रहा है क्या सुंदर लग रहा है, डूबता हुआ सूरज के साथ ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे मजेदार ब्लॉग में। स्टे हेल्दी, राइड हार्ड, जय जगन्नाथ।